अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माई लवली किड्स। माई सेल्फ पिंकी जेठवानी, द एजुकेटर ऑफ द रेडियन इंटरनेशनल स्कूल, चिल्ड्रन इन सब्जेक्ट EVS। वी कम्प्लीटेड 6 चैप्टर्स, सो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अवर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 7। सो वॉट इज़ द चैप्टर नेम? हाउ इज़ द वेदर, यानी वेदर क्या है। तो आज मैं आपको इसके बारे में, हम पहले चैप्टर रीडिंग करेंगे और उसके बारे में फिर एक्सप्लेनेशन होगा और योर होमवर्क असाइनमेंट में जो होगा वो भी हम देखेंगे। ओके, तो आज हमारा क्या है चैप्टर का नेम? हाउ इज़ द वेदर। सो लेट वी स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। ओके, सो लेट वी सी चिल्ड्रन अवर न्यू चैप्टर, हाउ इज द वेदर। सो चिल्ड्रन, अवर चैप्टर नंबर 7 इन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 160 पे है। अभी यहाँ पर क्या करना है? गेट सेट गो। लुक आउट द विंडो, कलर ग्रीन फॉर येस एंड कलर ऑरेंज फॉर नो। अभी आपको विंडो में देखना है और आपको कौन सा वेदर फील हो रहा है। तो अगर वो वेदर आपको लग रहा है कि ये सेम वेदर है तो उसमें आप ग्रीन कलर करके येस कर सकते हो या ऑरेंज कलर करके नो कर सकते हो। अभी नंबर 1 है, इज़ इट हॉट एंड सनी। क्या अभी हॉट एंड सनी डेज चल रहे हैं? क्या आपको कैसा फील हो रहा है? अगर येस तो ग्रीन कलर फील कर सकते हो, अगर नो तो ऑरेंज कलर फील कर सकते हो। सेकंड है, इज़ इट रेनिंग। क्या बारिश हो रही है? तो नो, ऑरेंज कलर। नंबर 3, इज़ इट क्लाउडी। क्या वो क्लाउडी, बादल बने हुए हैं, बारिश होने वाली है? तो अगर ग्रीन है तो येस, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप ग्रीन कलर फील कर सकते हो, अगर नो तो आप ऑरेंज कलर फील कर सकते हो। नंबर 4, इज़ इट विंडी। क्या विंडी हवाएं चल रही है, ठंडी? तो आई थिंक चल रही है विंटर में, तो आप ग्रीन कलर फील कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर विंडो में से देख के कि कौन सा वेदर आपको समझ में आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप ये फील कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट इज़ अ रीडिंग पार्ट। ओके, सो वेदर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे, सम डेज आर हॉट एंड सम डेज आर कोल्ड, सम डेज आर कूल एंड विंडी। वेदर इफेक्ट्स व्हाट वी वेयर, व्हाट वी ईट एंड व्हाट वी डू। अभी इसमें क्या बोल रहा है कि वेदर जो है वो डे टू डे चेंज होता रहता है। कभी हमको सम डेज आर हॉट, कभी कई दिन हॉट गर्म रहते हैं, सम डेज आर कोल्ड, कई दिन ठंडे रहते हैं, सम डेज आर कूल एंड विंडी, कई सब डेज जो होते हैं वो ठंडे और विंडी यानी हवाएं तेज रहती है। सो वेदर इफेक्ट व्हाट वी वेयर, व्हाट वी ईट एंड व्हाट वी डू, यानी वेदर के अकॉर्डिंग ही हमारे वो इफ़ेक्ट करता है कि हम क्या पहने, क्या खाएं और क्या करें। यानी जैसे वेदर होता है चेंज, उसके अकॉर्डिंग हमको वो सब चेंजेस होती रहती है कि कौन से हमको कपड़े पहनने चाहिए, कौन से क्या खाना चाहिए हमको और क्या करना चाहिए। जैसे समर सीज़न में हम कॉटन क्लोथ पहनते हैं, विंटर सीज़न में हम वूलन क्लोथ पहनते हैं और रेनी सीज़न में हम जो रेनकोट और ये सब रेनी क्लोथ पहनते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू द वेदर हम चेंज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, हॉट एंड सनी डे। क्या लिखा हुआ है? अ हॉट एंड सनी डे, द सन शाइन्स ब्राइटली, इट इज़ वेरी हॉट इन समर, वी वेयर कॉटन क्लोथ टू स्टे कूल। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि पिक में भी दिख रहा होगा कि द सन शाइन्स ब्राइटली, जब सन जो है बहुत तेज जैसे दिखता शाइन करता है, इट इज़ वेरी हॉट इन समर, यानी गर्मी जो समर सीजन में हमको कितनी गर्मी फील होती है। तो यानी उस टाइम तो सन जो है बहुत शाइन तेज
तेज़ निकलता है, तेज़ धूप देता है, तो हम बहुत क्या फील करते हैं, हॉट फील करते हैं, गर्म फील करते हैं अपने आप को, यानी बहुत गर्मी महसूस करते हैं। वी वेयर कॉटन क्लोज टू स्टे कूल, यानी हम अपने आप को ठंडा रखने के लिए हम कौन से कपड़े वेयर करते हैं, क्या पहनते हैं, कॉटन मटेरियल से बने हुए कपड़े ज़्यादा यूज़ करते हैं इन समर सीज़न में। तो देखो आप यहाँ पिक में भी देख सकते हो को हमको समर गर्मियों के सीज़न में यानी पानी बहुत अच्छा लगता है, ठंडी ठंडी चीज़ें खाना अच्छा लगता है, यानी अच्छा यानी बीच पे जाके ऐसे ठंडी ठंडी ऐसे हवा या पानी का हम यूज़ करते हैं। तो यानी समर सीज़न में हमको बहुत गर्मी महसूस होती है तो हम ये सब करते हैं, आइसक्रीम्स खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, यानी हमको ठंडी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है इन समर सीज़न में। आपको दिख रहा है ना बेटा, तो वो क्या कब होता है, समर सीजन में। द सन शाइन्स ब्राइटली, इट इज़ वेरी हॉट इन समर, वी वेयर कॉटन क्लोथ टू स्टे कूल। नाउ नेक्स्ट पेज 161, वी लाइक टू सिट नियर अ फैन, अ कूलर और एन एयर कंडीशनर, वी लाइक टू हैव जूस एंड आइसक्रीम, सम ऑफ अस गो फॉर अ स्विम। अभी इसमें क्या बोल रहा है कि समर सीज़न में हमको क्या, हमको फ़ैन के नीचे बैठना अच्छा लगता है या कूलर या फ़ैन या एसी एयर कंडीशनर में हमको अच्छा लगता है ना। हम बिना फ़ैन के तो गर्मी में कभी नहीं बैठ पाते, कूलर और ये सब ज़्यादा यूज़ करते हैं। वी लाइक टू हैव जूस एंड आइसक्रीम, हम समर सीज़न में जूस और आइसक्रीम लेते हैं। सम ऑफ अस गो फॉर अ स्विम, कई लोग स्विमिंग करने जाते हैं समर सीज़न में, पानी में रहना अच्छा लगता है ना, तो कई लोग समर में स्विमिंग करते हैं ज़्यादा। नाउ नेक्स्ट है, अ कोल्ड डेज एंड नाइट्स आर कोल्ड इन विंटर, समटाइम्स वेरी कोल्ड विंड्स ब्लो, इट गेट्स कूलर कोल्डर इफ इट रेन्स, यानी क्या बोल रहा है कि विंटर में डेज और नाइट जो होते हैं वो कोल्ड होते हैं, ठंडे रहते हैं। समटाइम्स वेरी कोल्ड विंड्स ब्लो, बहुत ठंडी में से ठंडी ठंडी हवा लगती है। इट गेट्स कोल्डर इफ इट रेन्स, और जब अगर बारिश हो गई सपोज ठंड, तो वो बहुत ठंडा माहौल और भी ठंडी बढ़ जाती है। वी वेयर वूलन क्लोथ टू स्टे वार्म, वी लाइक टू हैव टू हॉट ड्रिंक्स, हम अपने आप को गर्म रखने के लिए हम वूलन क्लोथ पहनते हैं ना। अभी विंटर सीजन चल रहा है तो हम वूलन्स के क्लोथ पहनते हैं, लाइक स्वेटर जैकेट्स ये सब पहनते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए। और हम हॉट ड्रिंक्स करते हैं, चाय कॉफ़ी ये ज़्यादा पीना पसंद करते हैं, गर्म गर्म सूप भी पीते हैं कई कोर्स में ठंडी में, यानी गर्म चीज़ें ज़्यादा हम यूज़ करते हैं ठंडी में। एंड इट स्नो इन माउंटेन्स, चिल्ड्रन मेक स्नोमैन विथ स्नो, व्हाट फन। और माउंटेन में अगर बारिश हुई, इट स्नो इन द माउंटेन्स, माउंटेन्स में स्नो बर्फ़ की बारिश होती है। चिल्ड्रन मेक स्नोमैन विथ स्नो, वो बर्फ़ से स्नोमैन बनाते हैं। सो व्हाट फन, बहुत ही ठंडी में से बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर आप, यहाँ पर देखो आप पिक देख सकते हो, देखो आप पिक में देख सकते हो कि बच्चे कैसे स्नोमैन एंजॉय कर रहे हैं बना के, बर्फ़ से बना हुआ। सो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन योर होमवर्क असाइनमेंट, नेक्स्ट वीक वी कंटिन्यू दिस चैप्टर। नाउ योर होमवर्क असाइनमेंट, हार्ड वर्ड्स राइट टू टाइम्स इन द नोटबुक। नंबर वन वेदर, सेकंड हॉट, थर्ड कोल्ड, फोर्थ विंडी, फिफ्थ शाइन्स, सिक्स ब्राइटली, सेवन समर, एट कॉटन, नाइन क्लोथ, टेन फैन, 11 कूलर, 12 एयर कंडीशनर, 13 जूस, 14 आइसक्रीम, 15 विंटर, 16 वूलन क्लोथ, 17 हॉट ड्रिंक्स, 18 स्नोज, 19 माउंटेन, 20 स्नोमैन।
ओके सो यू हैव टू राइट दिस हार्ड वर्ड्स टू टाइम्स इन योर नोटबुक. आपको ये नोटबुक में टू टाइम्स कंप्लीट करने हैं अच्छी हैंडराइटिंग के साथ. ओके और आगे हम ये चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम ये चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. ओके तो जब तक आप इतना रीडिंग करेंगे और अपना होमवर्क फिनिश करेंगे. सो चिल्ड्रन थैंक यू फॉर वॉचिंग. सो वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट क्लास. सो वी कंटिन्यू दिस चैप्टर. ओके सो चिल्ड्रन यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क प्रॉपरली इन योर नोटबुक. सो वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट क्लास. बाय.